राम राम जी सारा ने। और आप सब कैसे हो? और आज मैं बना रही हूँ वर्त का कटलेट नवरात्रि के लिए स्पेशल। आओ आपको दिखाती हूँ। ये बनाऊंगी मैं आलू और समा के चावल से, बहुत ही अच्छे बनेंगे, टेस्टी और स्वादिष्ट। ये है समा के चावल, और ये अपनी काली मिर्च, और ये वर्त वाला सेंधा नमक, ये धनिया है, और ये इधर मैंने मूंगफली का तेल चढ़ा दिया है इसमें गर्म होने के लिए। और ये जितने चावल हैं उसके 3 गुना पानी लेंगे हम, वो इसके अंदर मैंने डाल दिया है। अब ये बॉयल हो जाएगा, उसके बाद धो के फिर ये समा के चावल डाल देंगे हम। और ये कुछ समा के चावल हम सूखे ऐसे ही पीसेंगे इसके अंदर डाल के, ब्लेंडर के अंदर ना। को हम थोड़ा दरदरा पीसेंगे। ये मैंने पीस लिया इसको, ये थोड़ा सा आटे से थोड़ा सा मोटा है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। इसको निकाल लेती हूँ एक प्लेट में, अभी इसको रख देती हूँ इधर। ये मेरे उबल चुका है चावल ना, उबलने के बाद इतना गाढ़ा रखे पानी बिल्कुल उसका सूख जाए, एकदम सूख जाए। इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये हो गया यहाँ पे। अब हम ये हमने ले लिए हैं 4 आलू, और इनको धो के उबाल लेंगे। उबाल के छील के ठंडे करने के बाद फिर हम दूसरा प्रोसेस करेंगे। लिए हैं और अब छील के और ठंडे कर लिए हैं। अब इसको हम समा के चावल में मिक्स करेंगे। समा के चावल 4 आलू, इसके अंदर डालेंगे हम ये वर्त वाला सेंधा नमक, आप अपने अनुसार डालें कम ज्यादा। ये काली मिर्ची और ये मैंने धनिया पहले ऑलरेडी काट कर रखा हुआ है, आप अगर धनिया नहीं खाते हो तो स्किप भी कर सकते हो। इसको मैं अब अच्छे से मैश कर दूंगी। ये जैसे आलू का पराठा बनाते हैं इसको उसी तरह से मिक्स कर लेंगे, गर्म है अभी। क्योंकि ये थोड़ा पतला हो जाता है इसलिए इसके अंदर अभी हमने जो पीस के रखा हुआ है ये वाला थोड़ा सा इसके अंदर मिक्स करेंगे, ताकि ये थोड़ा आटे के डो टाइप का बन जाए। ये मैंने मिक्स कर लिया इसको, ये देखो ये थोड़ा सा डो टाइप का है, हल्का सा है गीला गीला, पर वो हम इसका यूज करेंगे तो ये सूखा हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। ये सूखे आटे की तरह लगाएंगे हम इसके ऊपर। ये मैंने एक रोटी की तरह थोड़ा मेल लिया है, इसको अब हम कटिंग कर देते हैं। शेप आप चाहे जो दे दो। अभी तेल गर्म हो रहा है, ये
इजीली उठ जाएंगे। ये हमारे हो गए रेडी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसको। अब मैं व्रत का बना ही रही हूँ तो थोड़ा बच्चों के लिए चीज बोल भी बना देती हूँ इसी से। अंदर चीज स्टफ करूंगी। ये है ब्रेड क्रम्स, क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ तो अब मैं इस पे लगाऊंगी ब्रेड क्रम्स। ये चीज ले लिया मैंने, इसके अंदर डालूंगी चीज। इसको थोड़ा बंद कर देंगे। इसको बिल्कुल ये कर दिया है ना बंद। अब इसको इस पे लेंगे। ये ब्रेड क्रम्स लगा दिए इस पे और ये दिया। ये चीज डाल लिया दूसरे में भी ऐसे ही। इसको भी ऐसे ही बंद कर लेंगे। वो हो गया। ये बन जाएगी इनके बच्चों की चीज हो। और ये मेरी मम्मी ने स्नैक्स बना के तैयार कर दिए। साथ में हमने व्रत वाली चटनी लिया, पर मेरा फास्ट नहीं है हाँ। इसलिए मैंने चीज वाले लिए हाँ। ठीक है। और ये फर्स्ट फास्ट वाले हाँ। ये तो फायदा होता है जिनका फास्ट नहीं होता उनका खाने का। ठीक है, मैं आपको ये खोल के दिखाता हूँ। आज डाइनिंग टेबल पर दिखाऊंगा। ये व्रत वाले कटलेट बना दिए मैंने और साथ में बनाए हैं बच्चों की पसंद के लिए चीज बॉल। और मोहित बताएगा कैसे बने हैं। बता भाई, ये चीज वाला तोड़ के दिखाना बेटा। ये देखो, ये इसमें चीज डाली हुई है। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।